हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दही बड़ी की रेसिपी। बनाना तो सभी को आता है, बट कई बार छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कई बार फूलते नहीं हैं, अगर फूल भी जाते हैं तो अंदर से सॉफ्ट नहीं होते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप मेरे तरीके से बना के देखिए, फूलेंगे भी और सॉफ्ट भी होंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दाल ली थी, इसको रात भर भिगो के रखा था। अभी ये अच्छे से फूल चुकी है। आप चाहें तो इसको 4-5 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं, वो भी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसको पीस लेते हैं। ध्यान रहे, पीसते समय पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही पीस लेते हैं। दाल को थोड़ा बारीक पीसना है, जिससे एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। दाल हमारी पिस चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर देते हैं। अदरक और जीरा डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इस बैटर को अच्छे से फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। थोड़ा सा नमक ऐड करके और इसको अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने से थोड़ा एयर बबल भी आ जाएंगे और अच्छे से फ्लफी भी बैटर हो जाएगा। 3 से 4 मिनट फेंटने के बाद बैटर हमारा रेडी है। देख सकते हैं क्वांटिटी भी बढ़ गई है और दही बड़े भी अच्छे से बन रहे हैं। कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और चेक कर लेते हैं तेल गर्म है या नहीं। अब दही बड़े को एक एक करके तेल में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद अपने आप ही दही बड़े ऊपर आ जाएंगे। देखिए दही बड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको एक एक करके पलट देंगे। इन दही बड़ों का कलर ऐसा ही रहेगा, आप चाहे कितना भी पकाएंगे वो ऐसे ही रहेंगे। अब इनको निकाल लेते हैं। वड़ा अंदर से कितना जालीदार है, फ्लफी है और सॉफ्ट भी है। अब एक बर्तन में गरम पानी लेंगे। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा होना। नमक को मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसमें दही बड़े डाल के 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। दही अच्छे से फूल गए हैं, अब इनको हल्के हाथों से निचोड़ के निकाल लेंगे। इनको आप तुरंत भी खा सकते हैं और एक दिन बाद भी खा सकते हैं। बना के फ्रिज में रख लीजिए, नेक्स्ट डे आप बना सकते हैं। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। अच्छे से फेटा हुआ दही, हरी धनिया की चटनी और मीठी वाली इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल करेंगे और लाल मिर्च थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे। दही भल्ले बनकर रेडी हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट हैं और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे और हलवाई जैसे बनकर रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।